नमस्कार जोहार। इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट लेकर के आई है झारखंड के सहायक अध्यापकों को लेकर के। जी हाँ, झारखंड के सहायक अध्यापकों का काफी समय से सवाल आ रहा था कि उन्हें दिसंबर माह का मानदेय कब तक मिलने वाला है और कब तक मिलेगा। बहुत सारे सवाल मन में उठ रहे थे कि आखिर मानदेय का सही टाइम कब आएगा, आखिर मानदेय कब तक आएगा, क्योंकि हर बार मानदेय लेट से आता है। क्या इस बार मानदेय टाइम पर आएगा, क्योंकि पिछली बार जो मानदेय था वो 10 जनवरी तक में आ गया था, लेकिन इस बार क्या मानदेय टाइम पर आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो सारी डिटेल्स हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम झारखंड के सभी सहायक अध्यापकों को लेकर के पाठकों के हित में खबर लेकर के आते रहते हैं। जो भी छोटी बड़ी खबर आती है आपके हित में खबर लेकर के हम आते रहते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं मानदेय को लेकर के, आखिर दिसंबर का मानदेय कब मिलने वाला है। सूत्रों से पता चला है कि पाठकों का मानदेय जो है उनका डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। पिछले महीने में जितना भी डाटाबेस था, जो पास शिक्षक हड़ताल में गए थे, कुछ पास छुट्टी में थे, सभी का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जो कि डाटाबेस तैयार करके प्रधान सचिव को दिया जाएगा, यानी कि मुख्यालय प्रधान सचिव को प्रतिमंडल को दिया जाएगा। वहां से डाटा पहुँच करके कार्यालय में जाएगा, वहां से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद ही आपकी पेमेंट स्लिप बनेगी, इसके बाद ही आपका पेमेंट के लिए बैंक में एडवाइस जा पाएगी। इसे करके पाठकों का इस बार मानदेय थोड़ा लेट होने ही वाला है, क्योंकि पाठकों का आहास होता है कि जल्द से जल्द मानदेय आए ताकि वो भी अपना कुछ काम कर सके। इसकी वजह से अभी पिछले महीने ही पास हुआ मानदेय 10 तारीख तक था, तो कई जिलों का मानदेय 10 तारीख तक बैंक में एडवाइज चली गई थी, डाटाबेस भी अपलोड कर दिया गया था, जिसकी वजह से मानदेय जल्द आ गया था। लेकिन इस बार थोड़ी देरी होने वाली है, क्योंकि महीने का ईयर का लास्ट था और 29 से 30 तारीख को ही पूरा डाटा का डेटा, जो कि रजिस्टर डेटा होता है, उपस्थित डेटा होता है, सभी डेटा उन्हें कार्यालय में चला गया है और वहां से डेटाबेस तैयार करके जल्द ही डेटा प्रोफाइल पर अपलोड कर दिया जाएगा। और जैसे ही प्रोफाइल पर डेटा अपलोड होता है तो आपकी बैंक एडवाइजरी के लिए जल्द से जल्द निवेदन किया जाएगा, जो कि प्रतिनिधिमंडल से किया जाता है, जो कि कार्यालय से किया जाता है, वो जल्द से जल्द होने वाला है। और इसके बाद ही आप लोगों का मानदेय स्वीकृति की जाएगी, और थोड़ा सा लेट हो सकता है मानदेय स्वीकृति के लिए। अभी फिलहाल ऑफिशियल कोई जानकारी करके नहीं आ रही है मानदेय को लेकर, कि कब तक में आखिर कौन सा डेट और कब आएगा मानदेय, अभी कोई भी निश्चय नहीं किया गया है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द आप लोगों का मानदेय देने की स्वीकृति के लिए कार्य किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा, और जल्द ही मानदेय आ जाएगा। और बहुत सारे किसी से पास शिक्षकों का सवाल था कि क्या इस बार मानदेय बढ़ के आएगा या नहीं आएगा, जो 31,000 ट्रेड पास शिक्षकों के लिए मानदेय था और 3 महीने का एरिया था, उनकी मांग की जा रही है। तो क्या 10% मानदेय बढ़ के आने वाला है या नहीं आने वाला है, इसके लिए भी अभी निश्चय नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, कहा जा रहा है कि इस महीने से, यानी जनवरी के महीने से या फिर फरवरी महीने से आपको 10% मानदेय वृद्धि जो मिली है 31,000 पास शिक्षकों को लेकर के, वो मानदेय में वृद्धि देखने को मिल सकती है। और साथ में जिन पास शिक्षकों ट्रेड पास नहीं है उनको भी मानदेय वृद्धि देखने को मिलेगी, और साथ में 3 महीने का एरिया भी देखने को आपको मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से पास शिक्षकों के हित में कार्य किया जा रहा है। लेकिन जो भी मानदेय का वार्ता हुई थी वो मानदेय से अभी तक सरकारें भी नहीं हुई है, अभी 10 जनवरी की वार्ता और होने वाली है। इस वार्ता में क्या निर्णय होता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जैसे ही मानदेय की कोई और अपडेट लेकर के आती है तो मैं आप लोग तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।